सो गाइस, मैं अंदर कमरे में आती हूँ और मैंने इन लोगों को इतनी देर पहले खाने के लिए दिया था, और ये बेड का हाल देखिए आप लोग क्या करा हुआ है। तीन तीन बॉटल ऐसे के ऐसे रखी हुई है, कपड़े फैले हुए हैं, बर्तन वहीं पड़े हैं। आठ बजे के अराउंड हम लोग सोए थे, सो इसीलिए हम लोग उठे हैं 4 बजे। दिस इज द मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। बहुत सो गाइज़, बच्चे को हम आलू के पेस्ट में नहीं दे सकते थे क्योंकि उसमें मिर्ची है और वो वैसे भी नहीं खाती, तो हमने इसमें डाला है न्यूटेला। न्यूटेला भर के डाला है, थोड़ा सा लिक्विडी लिक्विडी हो गया है वो इसका सैंडविच बनाने के बाद, तो काफ़ी अमेजिंग और यमी लग रहा है। बच्चा खाएगा न्यूटेला के साथ। नीचे आए हैं ब्रंच करने के बाद और ये देखो इसको, मतलब सारे झूलों में इसको एक ये झूला मिला है झूलने के लिए। बेचारे बच्चों के लिए छोड़ दे एक, एक तो किसी ने तोड़ ही दिया, तेरे जैसे किसी बच्चे ने। अरे ये बच्चों से ज्यादा वजन थोड़ी है इसमें, ठीक है। सो गाइस, सबसे पहले शुरू कर रहे हैं मीट। उन्होंने काटा लिया है, ओके ओके ओके। नाइस, गुड, प्रीटी। हग दिया तुम दोनों ने। झीकते हैं ना, जब झीकते हैं जीतते नहीं है, ऐसे करते हैं। ये वो दो बच्चे हैं। बच्चों को झुलाते हुए बैठो बैठो, हाँ बैठ जाओ, तभी तो खेल पाओगे आप लोग, अभी वेट बराबर ही नहीं हो रहा। यहाँ ये बच्चों को मनाते हुए सोनी और ये बच्चे मस्त झूलते हुए। नहीं, नो सोनी नो, इस जाले पे तू जब तक चढ़ेगी, देख मैं बता रही हूँ, मामी ने किसी भरोसे के साथ भेजी थी तू। यहाँ से सिंगल हड्डी, जितनी हड्डी आई है ना उतनी हड्डी वापस भेजनी है हमें। इसमें से निकल जाइयो, छलांग मार दे, मुंह मत खोलो आइयो। शाबाश। ये देखो तीज पे इसका वो नहीं, पूरा नहीं हुआ तो अब ये यहाँ पे भी झूलना शुरू हो गई गाइस। कितनी दूर बैठे हो यार मीता, ये उड़ के सीधा इस पेड़ पे बैठी मिलेगी गाइस अभी। शी गॉट वन जॉब टू डू, आज हम क्लीनिंग प्रोसेस पे हैं और ये क्या करने वाली है, मुझे लग रहा है कुछ गड़बड़ी करेगी ये तो। वैसे भाई थोड़ा डालना था, पूरा ही फ्रेग्रेंस ही फ्रेग्रेंस करेगी अभी। पानी भी डालना था और इसके अंदर, इसमें नहीं डालना पानी, इसमें डालना है। चलिए गाइस, इसने ये कुछ तो बनाया है, ये देखो क्या ही बनाया है इसने। ये मुझे तो वैसे ही एस्थेटिक से ही सुंदर लग रहा है ये। वाह, सो गाइज दिस इज दी मैस जो हमें अभी ठीक करना है। शी इज पार्ट ऑफ दैट मैस। तो एकदम खुशबू लगा के और अभी गाने वाने चला के हम लोग करने वाले हैं इसको ट्रांसफॉर्म, यहां से लेके और यहां पे गायब। गाइज वो दो शेल्व्स खाली करी हैं और काफी हद तक जो हमने यहाँ पे खलारा पाया था वो समेट दिया है। अब जल्दी से आपको अंदर का टूर कराते हैं। मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि जो हमने
द मेन थिंग ये वाली वॉर्डरोब यहाँ पे रख दिया मैंने. सो फाइनली गाइज मैस जो है वो यहाँ अच्छे से लगा दिया गया है. फाइनली वी आर डन विद द वर्क. ये सारे जो हैं वो प्रेस के कपड़े हैं. सो गाइज ये लड़की एक रील के लिए ये रिंग लाइट उठाने नीचे से आई है, मतलब कि मैम को रील बनानी है इसलिए. और ये वाला पार्ट स्पेशली मामी के लिए है. मामी वो ड्रेस चेंज करने वाली है ये, ठीक है, रील बनाने के लिए ड्रेस कपड़े चेंज कर लेगी ये, ठीक है. लेकिन ये नहाई नहीं है. सो गाइज आई विल शो यू द ट्रांजिशन. लोग इंस्टा वगैरह पे दिखाते हैं, आज आपको व्लॉग में ट्रांजिशन दिखा देते हैं. और इसी ट्रांजिशन के साथ मैं व्लॉग को एंड भी करूंगी. अगर आपको ट्रांजिशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ज़रूर. और ये ट्रांजिशन आप लोगों के सामने ये